हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिफ्थ लेसन, जिसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है द स्पेस। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज In which its effect can be experienced is called, क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, अब इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इसका मीनिंग क्या है? द स्पेस अराउंड, किसके अराउंड है? द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज हो गया, मान लो हमने कोई भी एक चार्ज ले लिया क्यू। अब ये है हमारा सोर्स चार्ज। अब इसके अराउंड पर्टिकुलर एक स्पेस होगी जहां पे इसका जो इफेक्ट है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब इंफिनिटी तक तो नहीं होगा ना, एक पर्टिकुलर डेफिनेट फाइनाइट एरिया होगा जहां तक जहां पे इसका एक्सपीरियंस हो रहा है, जहां पे इसके इफेक्ट का एक्सपीरियंस हो रहा है। अब हमें पता है एरिया तो है, लेकिन कितना है ये नहीं पता। तो ये देखने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है? क्यू नॉट। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एकदम जीरो होता है, मतलब बहुत कम। क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, एकदम जीरो नहीं होता लेकिन बहुत जीरो के बहुत करीब होता है, बहुत छोटा होता है। तब जब ये आगे आएगा एक जगह पे आके ये रुक जाएगा। तो जिस जगह पे आके रुका वहां से जो हमारा सोर्स चार्ज है वहां तक की डिस्टेंस तो हमने रेडियस मान लिया, और फिर जो हम इस रेडियस को यूज करके जो पूरा एरिया निकालेंगे वो एरिया हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज के लिए। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक एरिया हो गया। अब उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग होगी ना, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक न्यूमेरिकल, मतलब ये एक न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ऊपर था थ्योरेटिकल, ये हो गया न्यूमेरिकल के बेसिस पे। Defined as the electric force per unit test charge. Electric field intensity is defined as the electric force per unit test charge. Test charge, ये वाला charge. तो अगर हम definition देखें तो इससे definition से ही हमारे पास formula आ गया इसका। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट तो हो गया टेस्ट चार्ज, और यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। और एफ क्या है? वही कूलम वाला, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू F upon Q naught, और जहां पे Q naught tends to zero होता है। अब हम पढ़ते हैं, अब हमने ये पढ़ लिया electric field intensity, अब हम पढ़ते हैं vector form of electric field intensity। electric field को मैं EF से represent कर रहा हूं, intensity। तो electric field intensity vector form में क्या होगी? हमने scalar form में तो मतलब normally हमने पढ़ लिया कि E is equal to F upon Q naught, लिमिट मैंने यहाँ पे लगाई नहीं है कि वो, मतलब मैंने आपको बता दिया Q naught tends to zero। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? F vector upon Q naught। अब F vector की हमारे पास क्या वैल्यू थी? 1 upon 4 pi epsilon naught। दो चार्जेस हैं, एक तो हो गया Q और दूसरा चार्ज कौन सा है? Q naught है ना। फोर्स तो देखो जो दो चार्जेस हैं उनके बीच ही होगी,
एक चार्ज है हमारे पास ये q और दूसरा चार्ज है q नॉट, तो जो फोर्स होगी वो तो इन दोनों चार्जेस के बीच में होगी ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक चार्ज है q, दूसरा चार्ज हो गया q नॉट अपॉन में r का स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में तो r कैप इनटू जो ये वाला q नॉट था ये आ जाएगा 1 अपॉन q नॉट। अब q नॉट से q नॉट कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या बन गया फॉर्मूला, q r कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ये था हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है अगर हम मतलब वर्ड वाइज पढ़ें इसको, क्या है, अ सिस्टम, एक सिस्टम है किसका, इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो हम इसको अगर बना लेते हैं, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है माइनस क्यू एक है प्लस क्यू, और ये दोनों जो हैं सेपरेटेड हैं बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये फाइनाइट है, आर मान लो, कुछ भी मान लो, फाइनाइट डिस्टेंस है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या फीचर क्या होता है इसका, कि जो नेट, मैं लिख देता हूं यहां पे, नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। कॉमन सी बात है, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का, तो क्या हो जाएगा, जो नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो। अब इसके बाद आता है आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ ये तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डायपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच बस इतना फर्क है कि आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल में ये तो दो चार्जेस हैं हमारे पास, इनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता, मतलब यहाँ तो फाइनाइट डिस्टेंस था ना आर का। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाएगा, आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस becomes negligible, एकदम negligible हो जाती है, तो it is called ideal electric dipole। मतलब वही है, electric dipole है, बीच में distance नहीं रहा बिल्कुल, मतलब negligible distance है, minus q charge यहाँ पे है, बीच में बस एक point का distance है और फिर plus q charge ये है, मतलब बीच में डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, नेग्लिजिबल डिस्टेंस, तो इसे हम पॉइंट डायपोल भी कहते हैं, पॉइंट डायपोल, आइडियल डायपोल। ये आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल था। अब लास्ट जो बेसिस आता है डायपोल के ऊपर वो आता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट of any one charge, कौन सा वन चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज का प्रोडक्ट with the distance between the two charges, between the two charges। क्या मतलब समझे हम इससे, कि ये एक चार्ज है माइनस क्यू, वही डायपोल वाला, एक ये प्लस क्यू चार्ज है, बीच में r डिस्टेंस है, तो डायपोल मोमेंट, हम डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं p से, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, p
प्लस माइनस क्यू इंटू आर। और अगर जैसे हमें इसे डेरिवेशंस में यूज करना है तो इसका एक पर्टिकुलर डायग्राम होता है, वो क्या होता है कि ये है माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस है 2a और ये है प्लस क्यू। अगर हम इसे b से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। हमने 2a पर्टिकुलरली इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसे b से डिवाइड करना है, तो ताकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए, थोड़ा डिफिकल्ट सा ना बने, इसलिए हमने इसे 2a ले लिया ताकि ये डिवाइड होके a a की फॉर्म में आ जाए। अब हम इसका प्रॉपर रिप्रेजेंट लिखें तो p कैप p वेक्टर डायपोल इज इक्वल टू प्लस माइनस q इनटू 2a, ये हो जाएगा हमारा डायपोल मोमेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, और हम डेरिवेशंस ये तीन, एक डेरिवेशन है एक्सिस पे, एक डेरिवेशन है टॉर्क की, और एक डेरिवेशन है इक्विलेटरल प्लेन पे। तो ये तीनों डेरिवेशंस हम एक साथ करेंगे। अभी हम इससे आगे एक थ्योरेटिकल वो पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वो डेरिवेशंस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दीज आर डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कौन सा, वही क्यू नॉट, और जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वुड टेंड टू मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। अब इसका क्या मतलब हो गया कि यही, हम फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो इनवर्ट्स पे ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, जो टेस्ट चार्ज है वो इन कर्व्स पे, कुछ कर्व्स होती हैं उन पे मूव करता है, कब, जब वो फ्री है, जब वो फ्री है ऐसा करने के लिए। तो वो जो कर्व्स हैं, ये जो कर्व्स हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, रियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होते, ये इमेजिनरी कर्व्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव एक चार्ज है क्यू, अब हम उसके पास एक चार्ज ला रहे हैं क्यू नॉट, अब ये बहुत स्मॉल चार्ज है तो ये क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के साथ कैरी हो जाएगा, इट वुड बी कैरीड अवे विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब ये कर्व्स जो हैं, इन कर्व्स के साथ ही कैरी हो गया, तो ये जो कर्व्स हो गए, ये वाले, ये हो गए इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब आप समझ गए होंगे, इमेजिनरी लाइंस, जहां पे एक स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव करेगा, लेकिन कब, जब ये फ्री है ऐसा करने को। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक और चार्ज ले आऊं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हो, तो फिर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैंसिल हो जाएंगी, ये वाला चार्ज तो कहीं मूव ही नहीं करेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, एनसीईआरटी में काफी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज रखी हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सम अप करें तो ये बेसिकली ये पांच मेन प्रॉपर्टीज बनती हैं, जो मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो अगर यहाँ पे एक चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले ही आएगी और फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गई, नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कंटिन्यूस होती है, उनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आता। सेकंड प्रॉपर्टी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। मतलब अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू का, तो प्लस क्यू से तो ओरिजिनेट होंगी और माइनस क्यू पे जाके खत्म हो रही है। देखो प्लस क्यू से तो ओरिजिनेट हो रही है और माइनस क्यू पे जाके खत्म हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है द टेंजेंट ड्रॉन
on electric field line gives the direction of electric field geometrically. मतलब क्या हुआ इसका, ये वाला पॉइंट समझना. मान लो ये एक चार्ज है, एक मिनट, ये एक चार्ज है Q. अब ये ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई. अब अगर हम इस पे टेंजेंट्स बनाते हैं तो ये टेंजेंट्स ऐसे बनेंगी, कुछ ऐसे बनेंगी ना, हर पॉइंट से एक टेंजेंट निकलेगी. अब ये टेंजेंट्स क्या कर रही हैं, ये वो डायरेक्शन ही तो बता रही हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिकली मूव करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्रिक डायरेक्शन ही तो बता रही है ये कि ऐसे मूव करेंगे. तो ये जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी है ज्योमेट्रिकली. फोर्थ पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड lines never intersect. जो दो electric field lines होती हैं ये कभी एक दूसरे को intersect नहीं करती. अब ये वाला point जो है ये ऊपर वाले point से related है. अब देखो ना, अगर ये electric field lines दो एक दूसरे को intersect करेंगी तो इसका tangent तो कुछ ऐसे बनेगा और इसका tangent कुछ ऐसे बनेगा. अब अगर एक ही charge है तो वो दो जगह पे तो move नहीं कर सकता ना, ये तो possible ही नहीं है कि एक जगह, मतलब मान लो आप यहाँ खड़े हो, दो सड़कें जा रही हैं, तो आप दोनों सड़कों पे तो एक साथ नहीं जा सकते ना, या तो इस सड़क पे जाओगे या इस सड़क पे जाओगे. सिमिलरली ये जो चार्ज है ये दो जगह पे एक ही बार में दो जगह पे नहीं जा सकता, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. और फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आती है वो नेवर एंटर, never enter inside a hollow conductor. Hollow conductor मतलब मान लो हमारे पास एक hollow sphere है, metal का hollow sphere है, तो उसके अंदर electric field lines कभी enter नहीं हो पाएंगी, उसके बाहर ही रह जाएंगी. इसलिए हमें भी recommend किया जाता है कि जब भी lightning हो तो हम अपने car के अंदर सबसे ज़्यादा safe होते हैं, क्योंकि जो हमारी car होती है ऊपर से metal की होती है, तो उसके अंदर जो electric field lines है वो नहीं जा सकती, और नीचे रबड़ के टायर्स होते हैं, रबड़ तो वैसे इंसुलेटर है. ये हो गई हमारी पांच प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. अब नेक्स्ट, हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे डेरिवेशंस के बारे में. जो तीन डेरिवेशंस थी वो तीनों डेरिवेशंस एक साथ करेंगे.